डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, क्लास 10th में हम लोग मैथमेटिक्स में पिछले क्लास तक के हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ रहे थे। वहाँ पे त्रिज्यखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हम लोगों ने सिखाया। चलिए, तो वो चैप्टर हम लोगों ने पूरे तरीके से ख़त्म कर लिया था। लेकिन दोस्तों, मैथमेटिक्स में अक्सर होता क्या है कि वो चीज़ें तभी आपको पकड़ में आएंगी, तभी आपके चीज़ें वो चीज़ लास्ट तक एग्ज़ाम तक की रहेंगी, जब तक कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। यानी कि बार बार प्रैक्टिस से ही वो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेगी। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसको ख़त्म होने के बाद या एक्सरसाइज को कम्प्लीट करने के बाद उसको खुद से रिविज़न करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा जो चीज़ें पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, आई होप कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ें आपको याद रहेगी। तो अब हम लोग आज की क्लास में, 10th क्लास की मैथमेटिक्स में, एनसीईआरटी की बुक से 13 नंबर चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो कुल मिलाकर हम एक न्यू चैप्टर का आज स्टार्टिंग करने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कि दोस्त, इसमें हम लोग क्षेत्रफल का भी बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और आयतन का भी बात करने वाले हैं। क्षेत्रफल का मतलब समझना है कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो जैसे मान लिया कि आप घर में यूज करते हैं ग्लास, पीने वाला ग्लास, ठीक है, ये ग्लास है, और ये ग्लास को आप कहीं जिस स्थान पर रखते हो, उस स्थान, जितना स्थान ये घेरता है, उस घेरे हुए स्थान को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। लेकिन दोस्त, इस ग्लास में जितना पानी या दूध या कोई भी चीज अट सकता है, आ सकता है, उसको हम लोग आयतन कहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। अगर मान लिया हम यहाँ पे हाथ रखे हैं ऐसे, तो ये ऐसे रखने से इतना एरिया अगर ये ढक रहा है, तब इसको हम लोग क्षेत्रफल नाम देंगे। आयतन किसको कहेंगे? इस एरिया में जितना भाग, जितना सामान रखा जा सकता है अधिक से अधिक, वो आयतन कहलाता है। यानी कि उतना ही एरिया में या उसी पदार्थ में, वस्तु में जितना चीज आ सकता है, भरा जा सकता है, उसको हम लोग आयतन कहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम लोग क्षेत्रफल और आयतन दोनों पढ़ना है। तो क्षेत्रफल और आयतन कितने, किसके किसके हम लोग पढ़ेंगे? तो कुल मिलाकर हम लोगों को 5 चीज़ों का यहाँ पे गहन अध्ययन करना होगा इस चैप्टर में। सबसे पहला, आपको घन के बारे में जानना होगा। ये भी एक ठोस पृष्ठ है, ठोसीय है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका आयतन कितना होता है, घन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद घनाभ के बारे में जानेंगे कि घनाभ का क्षेत्रफल किससे, कैसे कैसे होता है। क्षेत्रफल भी कई तरह से होते हैं, इसके आयतन कितने होते हैं। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम लोगों को 5 चीज़ों के बारे में हम लोगों को गहन अध्ययन करना है। पहला घन के बारे में जानेंगे, फिर घनाभ के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद बेलन के बारे में जानेंगे, उसके बाद शंकु के बारे में जानेंगे, उसके बाद गोले के बारे में जानेंगे। गोले एक और चीज छूट रहा है, छठवां, अर्धगोले। हालांकि गोले का समझ लेंगे तो अर्धगोले का भी इजी हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में, यानी कि 13 नंबर चैप्टर में, हम लोग कितने तरह का डिस्कस करने वाले हैं चीज़ों को? तो 6 तरह के चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, 6 तरह के वस्तुओं के बारे में गहन अध्ययन करेंगे कि आखिर घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, गोला किसको कहते हैं और अर्धगोला किसको कहते हैं, और सबका आकृति कैसा होता है।
ठीक है, हम इसके बारे में भी विचार करेंगे। सबका आकार कैसा होता है, देखने में कैसा दिखता है, बेलन कैसा दिखता है, शंकु कैसा दिखता है, गोला कैसा दिखता है। वही नहीं दोस्तों, घन के बारे में हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि उसका क्षेत्रफल कितना होता है, उसका आयतन कितना होता है, उसके विकर्ण कितने होते हैं, सभी तरह के चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम लोगों को छः तरीके से हम लोग छः वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, छः आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्सर अभी हम लोग डायरेक्ट, आपको लग रहा होगा कि सर 13 नंबर चैप्टर शुरू किए हैं मैथमेटिक्स में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा 13.1, तो ऐसा नहीं है। ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। इस थ्योरी में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 में प्रयोग होने वाले फार्मूला और उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 13.1 के लिए हमको जो जो चीज़ ज़रूरी होगा वो सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। तो टॉपिक दिया जाए घन, ठीक है। अब घन को क्या बोलते हैं दोस्त, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब के बारे में आपको जानते होंगे पहले से ही, अगर नहीं जानते हैं तो डोंट माइंड, कोई बात नहीं है, हम आपको भी बताने वाले हैं। घन किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजा का मतलब क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर किसी आकृति का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों तीनों बराबर हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? घन कहते हैं। और घन का जरा फिगर हम लोग देख लेते हैं। ऐसा बनाना है ताकि सभी उसकी भुजाएं लगभग बराबर दिखे। तो ये हुआ हम लोगों का घन का फिगर। इसको हम लोग कहेंगे घन। एक घन, घन क्या है? ये है घन। क्यों? क्योंकि सभी भुजा, देखो यहां से यहां तक लंबाई हुआ, ये हुआ चौड़ाई और ये हुआ ऊंचाई। दोस्त इसका अगर तीनों बराबर है, ये वाला बराबर, ये बराबर, ये, अगर तीनों बराबर रहे तब हम इसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं। और घन की ये भुजा कहलाती है, यहां से यहां तक भुजा कहलाती है, ठीक है। और अगर घन की भुजा को अगर मान लेते हैं कि ए है, घन की भुजा क्या है मान लेते हैं? ए है। ए मतलब घन की भुजा, जैसे 2 सेंटीमीटर दिया रहेगा, 3 सेंटीमीटर रहेगा तो ए का वैल्यू हो जाएगा। तो घन की भुजा हम लोगों का क्या मान लिए हैं? ए। तब यहाँ से रिलेटेड आपको समझ में आना चाहिए कि पहला जो फार्मूला निकलता है घन से रिलेटेड वो ये कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, याद रखिएगा, घन का संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा पृष्ठ, यानी कि घन में एक ऊपर का भी होगा, एक नीचे का भी होगा और चारों तरफ से दीवाल होगा, ठीक है। तो कुल 6 पृष्ठ होते हैं। तो याद रखिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a². क्या होता है? 6a². अब a का मतलब कौन सी? a का मतलब भुजा। अगर मान लिया रहेगा, सवाल रहेगा कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि 6a². ये आपको फार्मूला याद रखना होगा घन से रिलेटेड। दूसरे फार्मूला पे चलते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, याद रखना भाई, दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, ध्यान देना। अब इसी के बारे में हम आपको पहले थोड़ा सा बताए थे कि क्षेत्रफल भी पढ़ रहे हैं तो दो तरह का क्षेत्रफल होता है। एक होता है संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब पूरा घन का क्षेत्रफल, और पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है चारों तरफ किनारे किनारे वाला, एक ही वाला आगे का पोर्शन हुआ ये वाला, एक इधर का पोर्शन, यानी कि चारों दीवारों का बोले,
तो पार्श्व का मतलब होता है चारों तरफ का, यानी कि ऊपर और नीचे वाला को छोड़ करके और बाकी जो चार को बच रहा है ना उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आप अगर दीवार बनाते हैं चारों तरफ से तभी ना ऊपर से ढलाई करते हैं अपने मकान का, अपने रूम का, अपने घर का। तो कुल मिलाकर पार्श्व पृष्ठ का मतलब याद रखिएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, और इसका फार्मूला याद रखिएगा 4a² होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कि 4a² किसका फार्मूला होता है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ बोलेगा तब पर भी 4a² लगाना है, और घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलेगा फिर भी हम 4a² फार्मूला यूज करेंगे। चलिए उसके बाद एक तीसरा फार्मूला जो याद रखना है घन के बारे में, वो ये कि घन का विकर्ण होता है दोस्तों √3 × a। √3 से a को मल्टीपल कर देंगे तब वो घन का विकर्ण निकल जाएगा, और विकर्ण के बारे में तो जानते हैं कि तिरछा तिरछी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, या यहाँ से लेकर यहाँ तक के, यानी कि विकर्ण का मतलब होता है एक कोना से दूसरे कोना तक के लंबाई, उसको विकर्ण कहते हैं। तो घन का विकर्ण का याद रखिएगा √3 × a, या फिर a का मतलब ही होता है भुजा, तो √3 × आप भुजा भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो तीन फार्मूला इम्पोर्टेंट, और एक लास्ट घन के बारे में वो ये कि घन का आयतन कितना होता है। तो घन का आयतन का फार्मूला याद रखिएगा, घन का आयतन होता है a का क्यूब का मतलब भुजा का क्यूब। अगर 2 सेंटीमीटर अगर वाला भुजा वाला घन है उसका आयतन 2 का क्यूब कर देंगे। तो कुल मिलाकर घन के बारे में इतना ही चीज़ें आपको जानना चाहिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ कितना होता है, और घन का विकर्ण कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है। तो कुल मिलाकर घन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ने। अब टॉपिक दिया जाए घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब हुआ घनाभ। और ये क्यूबॉइड वाले में सेक्शन में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ऐसा कोई आकृति जिसमें लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, ऊंचाई अलग हो, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको कहते हैं घनाभ। ठीक है, जैसे कि घनाभ का फिगर हम अभी बना रहे हैं, आपको ऐसे ही फिगर सबका बना लेना है। ये हुआ हम लोगों का घनाभ। इसमें जो है लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, तो ये फिगर हुआ हम लोगों का घनाभ। इस घनाभ में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे L। L मतलब लेंथ, लंबाई। यहाँ से यहाँ तक के हुआ ये B। B क्या डिनोट्स कर रहा है, चौड़ाई। और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को कहते हैं H। H क्या डिनोट्स करता है, ऊंचाई। तो याद रखिएगा घनाभ वह आकृति होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। L को हम लंबाई बोल रहे हैं, B को हम चौड़ाई बोल रहे हैं, और H को ऊंचाई बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग घनाभ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि घन के बारे में भी 2 तरह का क्षेत्रफल होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। उसी तरीके से घनाभ में भी सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कि पूरा, इस घनाभ का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है। तो 2 को बाहर रखना है, LB प्लस BH प्लस HL, याद रखिएगा यही होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ब्रैकेट में ये सब होता है। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ, H का मतलब हाइट। तो 2 × और ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब अगर दूसरे फार्मूला पे आते हैं कि अगर दोस्तों बोलेगा कि घनाभ का
पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ भी बोल सकता है, या फिर सवाल में घनाभ के लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या फिर फार्मूला हमको ज़रूरत पड़ सकता है। तो घनाभ के लिए हम देखिए, अब यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, यहाँ भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, लेकिन ये किसके लिए है, तो घन के लिए है, और ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो घनाभ के लिए। तो घनाभ के लिए याद रखिएगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर बोलेगा, तब इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे दू गुना एल प्लस बी और गुना में एच। ध्यान रखिएगा, टू के साथ ब्रैकेट में एल प्लस बी लिखा हुआ है और इनटू में हाइट लिखा हुआ है। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई। तो पहले हम लोग ब्रैकेट में एल प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ के दू से गुना करते हैं, तब उसको एच से गुना करते हैं। तो याद रखिएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ कितना होता है, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एल प्लस बी तब इंटू एच। तो ये घनाभ का क्या हो गया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आते हैं तीसरा नंबर, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण कितना होता है। जैसे कि घन का विकर्ण देखे थे, तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है दोस्तों, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर में एल का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस एच का स्क्वायर करेंगे, तो ये निकल जाएगा हम लोगों को घनाभ का विकर्ण। तो याद रखिएगा, घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद आते हैं हम लोग चौथे फार्मूला पे, घनाभ का आयतन कितना होता है भाई। तो घनाभ के आयतन का विचार करें तो बहुत सिंपल, याद रखिएगा एल बी एच, अगर एल को बी को और एच को आपस में गुना करा देंगे तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा। तो इस तरीके से घनाभ के भी बारे में हम लोगों को जानकारी इकट्ठी हो गई, सभी चीज़ें हम लोग जान गए। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग पहुंचते हैं अगले टॉपिक्स पे, जिसका नाम है बेलन। सबके बारे में पहले हम लोगों को जानना जरूरी है। तो देख रहे हैं हम लोगों को छह तरीके के बारे में जानना है, घन के बारे में, घनाभ के बारे में तो हम लोग जान गए, अब हम लोग आते हैं बेलन के बारे में, सीखते हैं कि बेलन क्या होता है। बेलन को अक्सर हम लोग इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर। अब इस सिलेंडर को भी हम लोग देखेंगे कि आखिर बेलन का फिगर कैसा होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो बेलन में अगर बात करें तो बेलन का आकृति बिल्कुल रोलर, देखे हैं रोलर जिसपे जिसका यूज करते हैं हम लोग रोड वगैरह बनता है, तो उसको चापने में, रोड को चपाई करने में, रोड को प्लेन करने में, तो उसका जोन वाला भाग रोलर वाला का चापता है, वो आगे वाला भाग ऐसा ही ना होता है। अब यहाँ से एगो निकला हुआ होता है, यहाँ से एगो निकला हुआ होता है, और ये गोल गोल घूमता है और रोड को चापता है, रोड को चपाई करता है। तो उस आगे वाला भाग को जिससे रोड को चापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बेलन। याद रखिएगा, बेलन में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ बेलन के किनारे तरफ दो गो वृत्ताकार प्लेट हुआ रहता है, वृत्ताकार जैसा संरचना होता है। तो इस केंद्र को यानी कि इसमें त्रिज्या है, देख पा रहे होंगे बेलन की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, जैसे कि वृत्त में होता है वैसे ही त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई कहलाती है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये क्या कहलाएंगी, बेलन की ऊंचाई। तो याद रखिएगा, ये फिगर है हम लोगों का बेलन का। बेलन में त्रिज्या का मतलब क्या हुआ कि केंद्र से लेकर बाहर तक के जो हुआ इसको त्रिज्या कहेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बेलन की ऊंचाई कहलाएगी, एच से सूचित करते हैं। अब बात करते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, ये भी याद रखिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसका फार्मूला होता है
पाई आर एच, जहाँ पाई का मतलब तो जानते हैं 22/7 या तो फिर 3.14, और आर का मतलब कौन सी होता है, तो आर का मतलब त्रिज्या और एच का मतलब बेलन की ऊंचाई, और प्लस में 2πr². क्यों? क्योंकि 2πrh जो होता है वो सिर्फ वक्र भाग का होता है, वक्र पृष्ठ उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और कुल में करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इधर वाला और इधर वाला पाई आर स्क्वायर, यानी कि उस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर बात किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसका फार्मूला 2πrh प्लस 2πr² इसी को एक और हम लोग याद रख सकते हैं, 2πr जो है कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, तो यहाँ से बच रहा होगा h, अब यहाँ से आर स्क्वायर है ना, तो ए गुना आर कॉमन लिए हैं तो h प्लस आर। तो याद रखिएगा कि वेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πrh प्लस 2πr² भी बोल सकते हैं, या 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर भी बोल सकते हैं। तो बेलन का ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। तो याद रखिएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब टोटल, ये आप वक्र भाग जिसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे जैसे रोटी वगैरह माँ बेलती होगी घर में, तो जिस भाग से बेलाता है उस एकदम गोला वाला भाग ऐसे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वक्र, यानी कि ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे वक्र। वक्र वक्र का मतलब मुड़ा हुआ भाग, और दोनों तरफ वृत्त है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इधर वाला पाई आर स्क्वायर, तो 2πr² जोड़ देंगे। तो बेलन का संपूर्ण का मतलब टोटल याद रखिएगा, 2πrh में से 2πr² को जोड़ देते हैं तो टोटल निकलता है, संपूर्ण निकलता है, इसी को हम लोग शॉर्ट में 2πr और इंटू में h प्लस आर याद रखेंगे। दूसरे फार्मूला पर याद रखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, देखिए अब यहाँ एक नया नाम आ गया वक्र पृष्ठ। वक्र किसको कहेंगे, तो हम क्या बोले कि जोन जोन भाग से रोड चपाता है, तो यही वाला ना भाग से रोड चपाता है, ऐसे ऐसे घूमता है तो इधर वाला थोड़ा ना, इधर वाला से थोड़ा ना चपाता है, या रोटी जो बेलाता है इधर वाला से ही बेलाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर वक्र किसको कहते हैं, जो मुड़ा हुआ रहता है, जिसका सतह बिल्कुल वर्काकार होती है, ठीक है, मतलब प्लेन नहीं होता है, मुड़ा हुआ होता है, तब इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 2πrh होता है। ये किसके लिए, तो सिर्फ इतना के लिए, इधर वाला के लिए। और जब टोटल निकालना होगा तब क्या करेंगे हम लोग, तो कुल मिलाकर इधर वाला और इधर वाला को दोनों तरफ को ऐड कर देंगे। तो ये था हम लोगों का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप बिल्कुल ये चीज़ें याद रखिएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πrh होता है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बोलेगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको 2πrh में से 2πr² को ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, जस्ट वेट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लियर दिख नहीं पाता है। हाँ चलिए ठीक हो गया। अब तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखिएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, और बेलन का वक्र पृष्ठ याद रखिएगा, वक्र वक्र किसको कहते हैं, तो जो मुड़ा हुआ लाइन्स है, जिसका सतह बिल्कुल वर्काकार होती है, प्लेन नहीं होता है, और ऊपर वाला बेलन देखेंगे तो उधर वाला भी प्लेन रहता है, इधर वाला भी प्लेन रहता है। तो वक्र के लिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे चारों दीवारों के लिए करते हैं ना, यहाँ पे चारों तरफ का करते हैं, सिर्फ मुड़ा हुआ भाग को के लिए वक्र बोला जाता है, और 2πrh होता है, और टोटल वाला में 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, बेलन का हम लोगों का वक्र पृष्ठ हो गया। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं बेलन के लिए कि बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि और मेरे पास नीचे जगह नहीं है, देख पा रहे होंगे, तो हम जो है ना ऊपर लिख देते हैं तीसरा फार्मूला, बेलन का
आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का मतलब बेलन की त्रिज्या और एच मतलब ऊंचाई। अब कभी कभी क्या दिया रहेगा कि बेलन का आपको व्यास दिया रहेगा, ठीक है, तब आपको खुद से त्रिज्या निकाल लीजिएगा, क्योंकि बेलन वाला में क्षेत्रफल निकालिए, चाहे बेलन का आयतन निकालिए, चाहे तो आप बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए, सब में तो त्रिज्या का ना यूज करना है। तो आपको देखिए, सवाल जब कभी भी यूज करेंगे सवाल में, तो अगर व्यास दिया हुआ रहेगा तो व्यास का आधा कर लेना है त्रिज्या, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कभी कभी बेलन का व्यास दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसका हम लोग त्रिज्या खुद से निकालेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और बात करें तो बेलन के तीन ही फार्मूले होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए दोनों में से कोई सा भी याद रखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ में से वक्र पृष्ठ जो याद रखेंगे 2πrh, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए हम लोग विकर्ण नहीं निकालते हैं, यहाँ पे तो देखिए घन के विकर्ण निकाले हैं, घनाभ का विकर्ण, बेलन का विकर्ण नहीं होता है, इसलिए इसमें तीन ही फार्मूला आपको याद रखना है। तो दोस्त आज हम तीन टॉपिक्स का बात किए, घन, घनाभ और बेलन। फिर अगले दिन डिस्कस करेंगे दोस्त शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में। तो आज जितना भी फार्मूला लिखवाए हैं, आपको समझाए हैं, आपको नोट डाउन करके अच्छे से इसको कम्प्लीटली याद कर लेना है, ताकि जब कभी भी हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे यूज करना है, ये सभी सारा बात सिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। लेकिन इतना काम तो आपको करना पड़ेगा कि जो भी फार्मूला हम लिखवाए हैं उसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसी विश्वास के साथ कि आप इन फार्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे, आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।